वे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ भैया, मुझे एक ना फ़ोन चाहिए था, तो मैंने सोचा कोई नया लॉन्च हो रहा हो तो देख लूँ। और iPhone 14 भी लॉन्च होने वाला था। हाँ लॉन्च होने वाले, लेकिन तुझे नहीं पता अभी तक? देख, इंडिया में अभी तक काफ़ी सारे स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, और सितंबर महीना स्मार्टफोन लॉन्च के लिए एक स्पेशल महीना होता है, क्योंकि इसी महीने से इंडिया में त्यौहार स्टार्ट हो जाते हैं, और त्यौहार पर स्मार्टफोन खरीदने का एक अलग ही मज़ा होता है, और ख़ासकर दिवाली पर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस सितंबर महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं। एप्पल की इस सीरीज का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, और आईफोन 13 के पॉपुलर होने के बाद लोगों को इंतजार है कि आईफोन 14 सीरीज में हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा। 7 सितंबर को आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें कुल 4 स्मार्टफोन लॉन्च हो सकते हैं, आईफोन 14, आईफोन 14 मैक्स, आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स। ये 4 स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं, जिनमें प्रो और प्रो मैक्स वाले में हमें कुछ ज्यादा ही चेंजेस देखने को मिलेंगे। यदि लीक्स की माने तो इनमें हमें A16 बायोनिक चिप देखने को मिल सकती है, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल सकता है, और साइज से एक बेहतर अल्ट्रा वाइड एंगल वाला कैमरा भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हमें यहाँ पर आईफोन 14 प्रो और प्रो वाले मैक्स वाले वेरिएंट में देखने को मिल सकते हैं। ओह अच्छा, तो मैं आईफोन 14 का तो वेट जरूर करूँगा। सोनी एक लंबे टाइम के बाद ये अपना एक लेटेस्ट स्मार्टफोन लेकर आ रही है, जिसका नाम है सोनी एक्सपीरिया 5 4। 4 का मतलब यहाँ पर फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पर सीरीज 5 है एक्सपीरिया 5। इसका लॉन्च 1 सितंबर IFA 2022 में होने वाला है, और इस स्मार्टफोन के बारे में अभी कोई ज्यादा जानकारी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे पता है। क्या पता है? इसमें 6 इंच की डिस्प्ले होगी, 3.5mm का हेडफोन जैक होगा, और टाइप सी पोर्ट दिया गया। ये तो हर फोन में होते हैं। और है ना, इसमें NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें नया क्या है? कुछ नहीं। पोको की M सीरीज भी इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो इसी के अंतर्गत पोको M5 सीरीज 5 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है, जिसमें 2 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, पोको M5 और पोको M5S। और पोको M5 के बारे में मुझे पता है। क्या पता है? ये Redmi Note 11S का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है, जबकि पोको M5 एक नया हैंडसेट होगा, जिसमें MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। Redmi 11 Prime 5G भी इंडिया में 6 सितंबर को लॉन्च होने वाला है, और इसके बारे में मुझे पता है। अच्छा, ये भी Redmi Note 11e का रीब्रांडेड वर्जन होगा। फोन में 6.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले के साथ यहाँ पर MediaTek का Dimensity 700 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, साथ ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है। वाह भैया, आपको तो सब पता है। Huawei की Huawei Mate 50 सीरीज 6 सितंबर को चाइना में लॉन्च होगी। चाइना में क्यों लॉन्च होगी? क्योंकि इंडिया में बैन है। इस सीरीज में कुल 4 स्मार्टफोन रिलीज किए जा सकते हैं, Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Force Design Mate 50 RS और Mate 50 E हो सकते हैं। दोस्तों ये थे कुछ स्मार्टफोन जो सितंबर महीने में लॉन्च होने वाले हैं। तो आप किस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अब तुझे पता चल गया कौन कौन से स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं? हाँ भैया, पता चल गया। हाँ ठीक है, चल अब निकल। चल जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम भी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।